फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो है 23 तारीख को अलीगढ़ में हुई रालोद की रैली का, जहां मंच पर जयंत चौधरी और तमाम बड़े नेता जमकर सरकार पर बरसे। लेकिन जनाब वो नेता ही क्या जो फोटो ना खिंचाए और चार चौराहों पर होर्डिंग में और फेसबुक पे ना लगाए। तो ऐसा ही हुआ जब सपा रालोद की संयुक्त रैली में मंच पर जयंत चौधरी और एक वरिष्ठ नेता के बीच घुसकर नेताजी फोटो खिंचाने लगे। ये नेता कोई और नहीं बल्कि दो बार के पूर्व में विधायक रहे जमीरुल्लाह थे। फिर क्या, पूर्व विधायक जमीरुल्लाह को पीछे धकेलने वाला जयंत चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस वीडियो को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुद्दा बना लिया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 25 तारीख को फिरोजाबाद की रैली में जयंत चौधरी की अलीगढ़ की रैली का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों, जयंत ने तुमको पीछे धकेल दिया, तुम वहां गए क्यों? नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ, जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का MLA, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं, अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढकलूं बाबर को ऐसा? बोलो आप। तो मैं होता अब आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का MLA, ये तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ जमीरुल्लाह यहां बैठो, तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाल्लाह। अब ओवैसी की इस बात पर पार्टी लाइन के पदाधिकारियों ने भी इस बात पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में AIMIM जिलाध्यक्ष गुफरान नूर ने कहा कि यह अलीगढ़ की बात नहीं, हर मंच से जो गठबंधन बना है उसमें हर मंच से बेइज्जती की जा रही है। सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने यह समझा है कि दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ और मंच तक नहीं पहुंच पाओ। देखिए, 23 तारीख में एक अलीगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था सपा और RLD का। वहाँ 10 साल से जो अलीगढ़ के विधायक थे उनके साथ बदतमीजी की गई, धक्काया गया। और ये अलीगढ़ की बात नहीं, हर मंच से जो गठबंधन बना है उसमें हर मंच से बेइज्जती की जा रही है। सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ इन लोगों ने ये समझा है कि भाई दरी बिछाओ और कुर्सी बिछाओ और मंच तक ना पहुंच पाओ, तुम इस काबिल नहीं हो। तो हमारे कल बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी एक फिरोजाबाद की उसमें बयान दिया था कि भाई हम तुम्हें सराखों पर कंधों पर रखना चाहते हैं, आप क्यों बेइज्जती की जिल्लत उठा रहे हो? सभी कौम के लिए, सभी कौम की बेइज्जती करा रहे हो। आप हमारे पास आइए, हम आपको इज्जत देने का काम करेंगे। देखिए, जो मुजफ्फरनगर की नफरत थी, आज अलीगढ़ के मंच से हमें वो नफरत पूरी दिखाई दी। जो नरसंहार हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर, सेफई में बैठकर लोग जाम टकरा रहे थे, उन्होंने उस टाइम 66 विधायक थे मुसलमान, उन्होंने एक भी वर्ड, एक भी लफ्ज नहीं बोला कि भाई अखिलेश भैया ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। 23 तारीख को एक 10 साल से जो विधायक, 10 साल विधायक रह चुके हैं दो बार के, उन्हें मन से धक्का वक्का दिया गया। आप जयंत चौधरी हैं और उनके जो साथी हैं, उन्होंने धक्का मुक्का दिया, तो वो नफरत जो मुजफ्फरनगर के अंदर थी वो आज भी हमें दिखाई दे रही है। धक्का देने से कौन सी नफरत? आप ये बताइए, आप ये बताइए, कुर्सी ले उन्होंने बिछाई, गाड़ियाँ वो ले जा रहे हैं, पब्लिक वो ले जा रहे हैं, आपका इंतजाम सब चीज़ों का, मान सम्मान का वो कर रहे हैं, और उन्हें ही आप धक्के दे के निकाल दें, तो हमारी कौम की तो बड़ी बेइज्जती है। तो समाजवादी से तो किसी की आवाज़ नहीं निकली? समाजवादी वाले क्या, उन्हें तो रहना है,
उनके लात मारो, घूसे मारो, उन्हें उसी में पड़े रहना है। उन्हें कुछ नहीं है कि भाई मुसलमानों का वकार गिरता जा रहा है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है किसी को, ये हमारा वो है। और देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, किसी को इतना मत सताओ, इतना मत डराओ कि वो उसका डर खत्म हो जाए और वो नंगा हो जाए। अब देखना होगा कि मुस्लिम अस्मिता को मुद्दा बनाकर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें निकाल पाती है, या फिर सिर्फ दूसरी पार्टियों को झटका देकर किसी को फायदा और किसी का नुकसान कर जाती है। अलीगढ़ से शिवम शाश्वत की रिपोर्ट, यूपी तक।